नाजरीन, मैं आज आया हूँ जिले कुलगाम के गुदर गांव के खार मोहल्ला में। यहाँ पे इनको कई दिनों से बिजली से महरूम रखा गया है। हालांकि उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की है कि इनका जो ये मसला है ये हल हो जाए, लेकिन अभी तक इनका जो ये मसला नहीं हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या मसला है, आखिर इनका मसला क्यों हल नहीं हो रहा है। जी ना, मेरा नाम है तेरी मुबारक के लिए मोहल्ला खारपुरा गुदर का रहने वाले हम। हमारा डिमांड ये है कि हमें जो तार है उसको बहाल क्यों चाहिए। कल सुबह जो हमने जैसा जो तार लग गया खंभों पर वो उठाया यहाँ सिवा लोगों ने। अब तो हमने बिजली डिपार्टमेंट से भी हम गुजारिश करते हैं, डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, मधुबान गुजारिश करते हैं। हमारा खाली डिमांड ये है कि हमारे पावर बहाल होना चाहिए। वाकई में किससे कोई पंगा नहीं लेना, कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, बस हमें पावर चाहिए। कि हम लोग गरीब हैं, यहाँ गरीब आवाम है, हमारा कोई सुनने वाला नहीं, कोई हमारा देखने वाला नहीं है, ना कोई हमारे सुनने वाला, ना हमारा कोई बात मानने वाला है। बस हमारे प्रेशर किया जा रहा है हम लोगों को कि हम तार नहीं देंगे। हमने अपने बल बोते पर हमने लाया ये, तो ठीक है। अगर इन्हें अपने बल बोते पर लाया, अपने प्राइवेट कंपनी से लाया, हम इसके कोई लेना देना, मगर हम डी साहब से अपील करते हैं और महकमे बिजली से भी अपील करते हैं, आप तार लाए और हमें पावर बहाल करें। बुझे अमे खेल वन अगर रात पावर चोट यह वो चोट कत वजह पे अगर घरों दौ या त्रो पावर चोट वजह क्या बुनिया क्या वजह क्या पावर तटने आव क्या जाओ तक अगर वे लाइन मैन आए तुम अगर मानन जड़ो अगर पोल तुम पोलो पे तुम तार दपन घर वाले तार पे अगर इन कोई प्रॉब्लम तुम वन क्या दलील अत मुसीबत लग तो लग क्या कम से कम उसे सोच कम कि अगर रात पे गो पावर ना रात पे गोत दिवान है पावर गोड़ पावर जीरो गो अना बर्दाश्त चलो है पावर मुल्क ट्रांसफार्मर दूर अगर वे नजदीक ये क्या पावर लगान कुछ अंदर अस मुसीबत लगमो ईडी वल ना पे सुबह पे वे पंचा नफर तुम गड़ा वन करो यपर मगर करान कहें यु सून मुतालब कि अस दिन कुछ पावर कुछ तरीक लगन पावर अस वग लग भग पंच घर से शेट घर से वे अत पे कम से कम अवान कि अगर ये तार चटना यह कत वजह पे चटन अगर ठेकदार सोबन चटा ये डिपार्टमेंटन चटा क्या चटो कम से कम गो लगन पावर पगन पावर अच्छी ये वन कि मेहरबान करो वो सून हल करो पावर शमा गाश पड़ा वी सी अपील जल्द से जल्द पावर जल्दी जल्द पावर वालीम कर एग्जाम ब्रोट कुन। नाजरन, हमने जब ये मसला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडीडी कुलगाम के नोट्स में लाया तो उन्होंने कहा उन्होंने मसले की जांच की है और मसले को हल किया है। आइए मजे सुनते हैं उनकी ही जुबानी। हाँ, यहाँ पर कल कुछ बदमाशों लोगों ने हमारी बिजली लाइन के साथ छेड़खानी की, जिसकी वजह से हमारी 40 घर बिजली से महरूम रह गई। तो जिन लोगों ने ये काम किया उनके खिलाफ कल से कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। आज हम यहाँ पर मौके पर पहुँचे तो मौके पर पहुँच कर हमने ये पहली तरजीह दी है कि यहाँ के जो पब्लिक है जो बिजली से महरूम रह गए हैं उनको पावर समय रिस्टोर की जाए। तो उसमें हम कामयाब हो गए, हमने रिस्टोरेशन की लोगों की तावन की वजह से। एक्चुअली बात यह है कि यहाँ पर हमारे एक 250 ट्रांसफार्मर है जो 3 महलों को पावर सप्लाई देता है। एक है ईदगाह माला, एक है कुटेमाला और एक है खारमोहला। खारमोहला और कुटेमाला के लिए हमने 2 ट्रांसफार्मर यहाँ पर क्रिएट किए हैं, एक PMDP के अंदर आता है और एक PRI के अंदर आता है। तो इन दोनों ट्रांसफार्मर को हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो खुद ही लोड डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, जो कि इनका काम नहीं है, ये जो PDD का काम होता है। हम लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो बिजली तरसीली लाइनों के साथ छेड़खानी ना करें, लोड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कुछ ना करें। ये एक गैर कानूनी काम है और जानलेवा भी साबित हो सकता है।